आज गुजरात की जनता ने 27 साल के ये संबंध को एक ऐतिहासिक तौर पे आगे बढ़ाए हैं। पिछले कई महीनों से विपक्षी दलों द्वारा मेरी गुजरात की धरती को, मेरे गुजरात के लोगों को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आज गुजरात की जनता ने मोदी जी के प्रति, भारतीय जनता पार्टी के प्रति उनका जो विश्वास है, संबंध है, दिल का जो नाता है वो निभाया है। भारतीय जनता पार्टी और गुजरात की जनता दुनिया की जोड़ी नंबर वन आज साबित हो चुकी है। गुजरात की जनता ने फिर से एक बार नया इतिहास लिखा है और गुजरात में नफरत की राजनीति को, बहकाने की राजनीति को, देश को तोड़ने वाली राजनीति को गुजरात के लोगों ने बाहर भगा लिया है। गुजरात की जनता और भारतीय जनता पार्टी साथ में मिलकर फिर से एक बार गुजरात के कोने कोने में विकास का काम आगे बढ़ाएंगे। आम आदमी पार्टी का क्या योगदान रहा है इसमें? देखिए, मुझे मेरी आपसे विनती है कि वो पत्र जो आप हर रोज दिखाते थे, वो मुख्यमंत्री जो पत्र देते थे लोगों को लिख के, जो गारंटी देते थे, अलग अलग रिपोर्टों के बारे में बातें करते थे, वो सबको आज सवाल जरूर से पूछना कि गुजरात के लोगों को मात्र एक चुनाव के लिए और चुनाव में जीतने के लिए आपने गुजरात के लोगों को इतना बदनाम क्यों किया? मेरी गुजरात की धरती को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। आज गुजरात के लोगों ने चुन चुन के जवाब दिए हैं। गुजरात के हर एक कोने में ऐतिहासिक तौर पे भारतीय जनता पार्टी का विजय हुआ है। मोदी मोदी के नारे गुजरात के हर कोने में, जिस प्रकार से कश्मीर से लेके कन्याकुमारी में मोदी मोदी के नारे गूंज रहे हैं, उसी प्रकार से आज सौराष्ट्र, उत्तर गुजरात, दक्षिण गुजरात या मध्य गुजरात, चारों ओर विकास के नारे, संबंधों के नारे, मोदी मोदी के नारे गूंज रहे हैं। गुजरात की जनता को दो हाथ जोड़ के नमन करता हूं कि आपने जिस प्रकार से दिल का ये संबंध, विश्वास का ये संबंध, आपने फिर से एक बार देशभक्त होने का एक बहुत ही बड़ा ये नतीजा एक प्रमाण पत्र के तौर पे देश के सामने रखा है। गुजरात की धरती पे सकारात्मकता की राजनीति चलती है, गुजरात की धरती पे कभी भी नकारात्मक राजनीति का कोई स्थान नहीं है। देखिए भाई, गुजरात के लोगों ने इन सबको जवाब दे लिया है। गुजरात के लोगों ने गुजरात के हर एक कोने में ये सभी को जवाब दिए है। मेरी तो एक ही विनती है कि हर रोज टीवी चैनलों में चमकने के लिए जो नए नए पत्र जो लिखते थे, जो नए नए आंतरिक रिपोर्टों की बात जो करते थे, उनको ये सवाल पूछना चाहिए। लेकिन क्या उनसे आपके वोट बटे हैं? आपके खिलाफ से जो वोट है वो बटे हैं? आप आम आदमी पार्टी के? देखिए, रिजल्ट आपके सामने है। रिजल्ट में जनता ने ये तय कर लिया है कि ये चुनाव सत्ता का चुनाव नहीं था, ये चुनाव विश्वास और संबंधों का चुनाव था।
और विश्वास से महान कुछ नहीं होता। आउटगोइंग गवर्नमेंट में आप जो है गृह राज्य मंत्री हैं, अगली सरकार में क्या आप और कोई पद चाहेंगे, और कोई पोर्टफोलियो चाहेंगे? गुजरात के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेंद्र भाई पटेल जी ने पिछले कई महीनों से गुजरात के कोने कोने में गुजरात के हर एक वर्ग के तबके के लोगों की सेवा की है। वो एक बेहद अलग प्रकार के व्यक्ति हैं जिनके मन में सभी व्यक्तियों के लिए बहुत बड़ी जगह है। हर लोगों को मदद करने में वो हमेशा तत्पर होते हैं। गुजरात सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल के मार्गदर्शन में हम सभी विधायक गुजरात की जनता की सेवा करने के लिए तत्पर है। ओवैसी ने कहा था कि गुजरात की जनता जवाब देगी, आपको लगता है ओवैसी को जवाब नहीं है? देखिए, हर एक व्यक्ति के सवालों के जवाब जनता ने दे लिए। आप सभी की स्क्रीन पे गुजरात का एक एक नागरिकों का जवाब आज झलक रहा है। जिस प्रकार से गुजरात की धरती को बदनाम करने का प्रयत्न किया गया, गुजरात को अलग अलग रीत से तोड़ने का प्रयास किया, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो ओवैसी हो या केजरीवाल जी हो, सबको चुन चुन के गुजरात की जनता ने जवाब दिया है। इससे ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। 150 तो आपड़े सब गुजराती हो, ये भेगा थई ने गुजरात ना हित में चूंटनी लड़ा आपड़े सब, अने आपड़ा गुजरात ने मात्र सत्ता माटे जे लोकोए बदनाम करवानो प्रयत्न कर्यो,